एक जनप्रतिनिधि और एक पार्टी का कार्यकर्ता होकर के और उस पार्टी के समर्थन से जीता हुआ कोई प्रतिनिधि है, उसको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उनको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो भाजपा के MLC हैं, पहली बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ NDA गठबंधन में बिहार में सरकार चला रही है, और यह गठबंधन कोई और तय नहीं किया है, यह हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय किया है। तीसरी बात कि इस गठबंधन के मुखिया, इस गठबंधन के नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी हैं, और यह भी तय हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। इसलिए यह कहना कि हम भाजपा के तो हैं, भाजपा के नेता हमारे नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी हमारे नेता नहीं हैं, भले वो मुख्यमंत्री हो जाएं, यह कहना मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है और यह नासमझी वाला बयान है। या वो कैसे दे रहे हैं मैं उसमें बहुत जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह समझना होगा और यह बात मान के चलना पड़ेगा कि हमारा शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने जो गठबंधन तय किया, बिहार में जिनको नेता बनाया, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, उसका सम्मान और उसको अपना नेता मान करके ही चलना होगा, तब तक जब तक पार्टी का यह फैसला है। और ऐसा कहना कि हम पार्टी की फैसले को मानेंगे लेकिन इस बात को नहीं मानेंगे, यह पार्टी का भी अपमान है और पार्टी के खिलाफ जाना माना जाएगा। इसलिए मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए हमेशा से सम्मानजनक कदम उठाए हैं, हमेशा से उनके अधिकार और उनकी स्वायत्तता के लिए काम किया है। अब जब ऐसा संकट उत्पन्न हो गया है तो जो एक व्यवस्था बनी है सरकार के द्वारा, परामर्शी समिति बना करके पंचायतीराज संस्थाओं के क्रियाशील रखा जाए, और जो सरकार की जो योजनाएं हैं जो पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से होता था उसको आगे बढ़ाया जाए, और इस परामर्शी समिति में बना करके उसमें जो निवर्तमान प्रतिनिधि होंगे, 15 जून के बाद जो विघटन हो जाएगा, जो निवर्तमान प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद हैं या पंच सरपंच हैं, उनको इसमें समिति में, इस परामर्शी समिति में उनको समायोजित करके, हालांकि इस पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने इस बात की जबरदस्त मांग की थी और उस मांग को आज भी मैं कर रहा हूँ, और हमारे जो भी स्थानीय निकाय के MLC हैं खास करके BJP से, उन्होंने इस बात को रखा कि जो निवर्तमान प्रतिनिधि हो रहे हैं 15 जून के बाद, परामर्शी समिति में उनको समायोजित किया जाए, उनकी राय लेकर के आगे की योजनाओं का संचालन बने, संचालन हो, ऐसी एक व्यवस्था बनाई जाए। सरकार ने भी कहा है कि हम परामर्शी समिति बनाएंगे, और इसके लिए अब हम लोग इस प्रयास में हैं कि इस परामर्शी समिति में जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं और निवर्तमान हो जाएंगे 15 जून के बाद, उनको इसमें लाया जाए। और जो राजनीतिक दल इस बात को कह रहे हैं कि हम वो धरना दिए, हमने मांग किया और हम मांग कर रहे हैं कि कार्यकाल बढ़ाया जाए, तो ये सारी बातें हास्यास्पद है और सारी बातें असंवैधानिक है और राजनीति से प्रेरित है। दरअसल हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, उनके सम्मान का ख्याल रखते हुए, सारी परिस्थितियों का संवैधानिक रूप से नियमानुकूल आकलन करके एक व्यवस्था बना रही है, और उस व्यवस्था के अंतर्गत ये निवर्तमान जो हो जाएंगे 15 जून के बाद जो भी पंचायत प्रतिनिधि, उनको उस परामर्शी समिति में रख करके और उनको आगे काम कराया जाएगा, तब तक जब तक कि चुनाव संपन्न न हो जाए।